सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान जो है ऑर्डर करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, तो कैसे जो है कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करेंगे वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट ऐप को जो है ओपन कर लेना है। आपको जो है मोबाइल नंबर डाल के जो है आपको साइनअप कर लेना है, और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के जो है आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको ऑप्शन मिलता है सर्च का, देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपको अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम बोया M1 यहाँ पर मैक मंगाएंगे, तो यहाँ पर हम बोया M1 मैक यहाँ पर जो है सर्च कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैक आ चुका है। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे जो आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम इस प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे सुपर क्वाइन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ पैसा माइनस हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर आप नए यूज़र रहेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चेंज एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले से जो है एड्रेस को यहाँ पे सेव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले से दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे जो है चेंज करना चाहेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे चेंज एड्रेस पर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेंज एड्रेस करने का जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, जो भी मेरा नया एड्रेस रहेगा यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर आप जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है कुछ इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नाम टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एड्रेस पूरा डिटेल में लिख लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे वर्क पे जो देख सकते हैं यहाँ पे होम है, तो आपको जो है घर पे मंगाना है तो आप यहाँ पे होम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे सेव एड्रेस पे आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए मेरा एड्रेस जो है ऑलरेडी पहले से सेव है, तो चलिए हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हैं इस पर जो है हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। तो कैश ऑन डिलीवरी में आपको कैसे बाय करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपको UPI, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब का जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑर्डर का आपको मिल जाएगा ऑप्शन, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैप्चा को जो है इस बॉक्स के अंदर आपको फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे कन्फर्म ऑर्डर का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस जो है यहाँ पे हो चुका है कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पे माई ऑर्डर चेक करेंगे, चलिए यहाँ पे चलिए हम बैक कर लेते हैं। जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको फिर से यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे माई ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। और आपको देखना है कि आपका जो है ऑर्डर जो है प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि जो सक्सेसफुली ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे जो है आपको शो कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑर्डर जो हम किए हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट शो कर जाता है। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो कर जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी अभी यहाँ पे ये ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऑर्डर में लिस्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं COD के माध्यम से, यानी कि जो है आप कुछ इस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट से जो है कोई भी सामान को जो है कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।